तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन से। आज की अपडेट होने वाली है गोला रेलवे स्टेशन पर चल रहे अमृत भारत स्कीम के तहत रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों पर। वीडियो दिखाने से पहले सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहेंगे कि वीडियो बनाते समय वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन ना होने के कारण वीडियो में मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपडेट को। तो ये है रेलवे स्टेशन की मेन एंट्री, फर्स्ट एंट्री, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको दशकों पुराना पेड़ जिसे नहीं काटा गया है, वैसे का वैसे चबूतरे के साथ बना हुआ रखा गया है। ये है स्टेशन की मेन बिल्डिंग जहाँ पे पिलर्स जो है वो भी उठाए जा रहे हैं, इवन उठा लिए गए हैं। कार्य यहाँ पे तेज़ी से चल रहा है, दोपहर का वक्त है और कुछ इस तरीके का नज़ारा चारों ओर का नज़र आ रहा है। देख सकते हैं जगह जगह सामान बिखरा हुआ पड़ा है। बाकी सर्कुलेटिंग एरिया का फ्लोर पहले ही तोड़ लिया गया था, सारा काम किया जा रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कार्य किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे, आप लोग वीडियो को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह है स्टेशन की सेकेंड एंट्री, यहाँ पे भी कार्य पूरे पार्किंग एरिया में, सर्कुलेटिंग एरिया में किया जा रहा है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन का। जगह जगह मिट्टी के ढेर, ईंटों के ढेर लगे हुए हैं और कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। बाकी अभी दिखाते हैं आपको अंदर चल के प्लेटफॉर्म पे क्या कुछ चल रहा है, क्या है वहाँ की सूरत हाल। इससे पहले आप देखिए स्टेशन के अब हम बाहर आ गए हैं बिल्कुल, आपको स्टेशन के बाहर रोड से नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे भी देखिए गेट लगाया जा रहा है, ये देखिए कुछ इस तरीके का गेट रहेगा। ये एंट्री नंबर 2 है, आपको दिखा रहे हैं कुछ इस तरीके का गेट रहेगा। बाकी बता दें जो गोला के बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे रोडवेज बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन दोनों एक ही पास है, तो अगर कभी आप गोला आते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट के साधनों में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारा है, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप समझ सकें कार्यों की क्या रफ्तार है, क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो अब चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए अब हम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, यह है लखीमपुर की दिशा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। और देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म को तोड़ा जा रहा है, काफ़ी कुछ तोड़ लिया गया है, अभी कार्य किया जा रहा है। मलबा आपको नज़र आ रहा होगा। लेबर लगी हुई है, शाइन बोर्ड नज़र आ रहा होगा आपको। तो देखिए इस समय सूरत हाल बदतर स्थिति में है, लेकिन उसको सुदृढ़ करने के लिए ही इस स्थिति में लाया गया है। देखिए आपको ये पत्थर नज़र आ रहे होंगे, तमाम तरीके ये प्लेटफॉर्म से पे लगाए जाएंगे। अब हम लोग आ गए हैं फुट ओवर ब्रिज के पास, जहाँ पे देखिए फर्श वगैरह बनाने का कार्य किया जा रहा है। मिक्सर चल रहा है, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारा है, ये हमारा मिक्सर खड़ा हुआ है, लेबर चुस्त मुस्तैद कार्य कर रही है। देखिए हमारा मिक्सर चल रहा है, मसाला डाला जा रहा है यहाँ पे। ये पूरा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। चलिए चलते हैं आगे की ओर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। उससे पहले आपको मैलानी साइड का एक बार नज़ारा दिखाते हैं। तो हम आ गए हैं अभी मैलानी की तरफ, और यहाँ पे देखिए मार्किंग कर ली गई है, इतनी जगह में पूरा पत्थर लगेगा आपका।
और बाकी जो एरिया है पीछे की तरफ वहाँ पे नॉर्मल फर्श बनाया जाएगा। और ये जो मार्किंग की गई है यहाँ पे आपका स्टोन लगेगा। तो ये है साइन बोर्ड और कोच इंडिकेटिंग सिस्टम लग गए हैं, लेकिन अभी इनको चालू नहीं किया गया है। देखिए अब इनमें पानी भरा जाएगा। यहाँ पे अभी आपको दिखाते हैं, आगे पानी भरा जा चुका है क्योंकि पहले यहाँ पे फर्श बनाया जाएगा इसके ऊपर, फिर यहाँ पे स्टोन लगेगा। दिव्यांगजन के लिए टॉयलेट्स आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे पानी वगैरह भरा हुआ है, फर्श बनाने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। धूप खिली हुई है, गर्मी का मौसम आ चुका है। बाकी आप लोग ये वीडियो देखकर समझें कि कार्य कितना हुआ है, क्या हुआ है। बाकी अपडेट के माध्यम से आपको सूचित कर रहा हूँ। वीडियो आप पूरी देखिए ताकि आप पूरा कार्य अच्छे से समझ पाएं। तो देखिए कार्य किया जा रहा है। स्टेबलाइजेशन ना होने के कारण वीडियो मोमेंट थोड़ी ज़्यादा हो रही है। बाकी आगे आपको दिखाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की स्थिति। जिस तरीके से 2 नंबर पर पत्थर लगाया गया है उस प्लेटफॉर्म को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी किस तरीके का पत्थर लगेगा। अब हम प्रतीक्षालय में आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के। तो ये है एग्जीक्यूटिव प्रतीक्षालय, जैसा कि आपने बाहर नाम में देखा होगा। यहाँ पे भी देखिए कार्य किस तरीके से किए गए हैं। फिनिशिंग देखिए आप, फैन लगा लिया गया है। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म के बाहर। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 दिखाऊंगा वहाँ पे किस तरीके से कार्य हुआ है। तो यह है प्लेटफॉर्म नंबर 2। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे पत्थर लगाया गया है। तो इस तरीके का कुछ पत्थर जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी लगाया जाएगा, फर्श बनाया जाएगा कुछ इस तरीके से। और आप देखिए यहाँ पर सीमेंटेड बेंचेस बनाई जा रही हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं वीडियो में सीमेंटेड बेंचेस बनाई जा रही हैं ताकि उसमें टूटने का खतरा ना रहे, फिर ये वेंचर्स परमानेंट हो जाएंगी। यह है कुछ प्लेटफॉर्म नंबर 2 का नज़ारा, जहाँ पे इस साइड कार्य पूरा हो चुका है। मैलानी की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी अभी कार्य चल रहा है। बात करते करते देखिए आ गई हमारी 0-54-91 मैलानी से चलकर सीतापुर को जाने वाली गाड़ी। तो ये है नज़ारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अपडेट पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब।